गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका स्वागत है 25 क्वेश्चन बायोलॉजी की इस क्लास में, जो एवरी मॉर्निंग 7 AM हम आपको यहाँ पर 25 क्वेश्चन बायोलॉजी के देंगे। आपको कमेंट बॉक्स में उनके आंसर देने हैं। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। जो एनिमल किंगडम हमने पढ़ाया था पहले, उस एनिमल किंगडम यानी कि वी टेकर के 5 जगत प्रणाली से क्वेश्चन है। तो चलिए आज की शुरू करते हैं सेशन को। सोलिनोसाइट पाई जाती है, जो सोलिनोसाइट है वो पाई जाती है फ्लेटियल मंतीज में, आर्थोपोडा, एनिलिडा या एस्केलन मंतीज में। सेकंड क्वेश्चन, कौन सी विशेषता ओबेलिया के लिए सही है? ओबेलिया के लिए कौन सी विशेषता सही है? मेटाजिनेसिस, मेटाक्रोसिस, एपोलाइसिस, पीडोजिनेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, वर्गीकरण या वर्गी का व्यवहारिक उद्देश्य क्या है? जातियों की पहचान में सुविधा, जातियों की पहचान में सुविधा, सजीवों का उद्भव समझना, विकासात्मक इतिहास को जानना, औषधि पादप की पहचान। तो क्या है वर्गी की या वर्गीकरण का व्यवहारिक उद्देश्य? चौथा ऑप्शन है, जो मैंने आपको बताया था कि जो हेरार्की का जो क्लासिफिकेशन था, जगत, संघ, वर्ग, कण, कुल, वंश, जाति, उसको सही ऑर्डर में जमाना था। तो कई बार ये भी आता है, तो अवरोही क्रम में जमाना है इनको। फिफ्थ क्वेश्चन इज, एस्केरिस ल्यूब्रिकॉइट्स तथा एनोफिलीज स्टेफनाई में क्या समानता है? इन दोनों में क्या ही समानता है? समानता बतानी है, लैंगिक द्विरूपता, समखंडन, अवायवीय श्वसन, अंतः परजीविता। चारों में से क्या आंसर सही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। कौन से जंतु, यहाँ पर जंतु है, कौन से जंतु में बिखरी हुई कोशिकाएँ कोशिका उत्तक स्तर पर संगठन दर्शाती है? स्पंज, हाइड्रा, यकृत, पर्णक्रमी या एस्केरिस। मतलब कौन सा जंतु है जिसके अंदर बिखरी हुई जो सेल्स है वो कोशिका उत्तक स्तर पर उत्तक स्तर का संगठन दर्शाती है? सातवां क्वेश्चन आज का, हाइड्रा में भोजन के पाचन से बने अपचित पदार्थ तथा नाइट्रोजनी अपचित पदार्थ क्रमशः किसके द्वारा शरीर से बाहर निकाले जाते हैं? दोनों मुख द्वारा, दोनों बाह्य सतह द्वारा, मुख तथा बाह्य सतह द्वारा, या मुख या स्पर्श को द्वारा। नेक्स्ट है, प्रोटोजोआ जैसे अमीबा तथा पैरामीशियम जंतुओं में जल संतुलन के लिए एक अंग पाया जाता है जिसका नाम है? संकुचनशील रिक्तिका, माइट्रोकॉन्ड्रिया, केंद्रक या खाद्यदानी। नवा क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित में से किस जंतु में केंद्रीय द्विरूपता पाई जाती है? अमीबा प्रोटियस, ट्रिपेनोसोमा, गेम्बियस, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, पैरामीशियम कॉडेडम। आज बता दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, नीचे दिए गए चार प्राणियों और उनके श्वसन अंगों को मिलाना है कि उनके अंदर कौन से श्वसन पाए जाते हैं, श्वसन अंग पाए जाते हैं? बिच्छू में, स्विलर फिश में, समुद्री स्क्वर्ट्स या डॉल्फिन में, इनमें किनके द्वारा होता है श्वसन? तो और कौन कौन से सही मिलाए गए हैं ये यहाँ पर ABCD में आपको बताने हैं, चार ऑप्शन में कि कौन से सही मिले हुए हैं इनमें। ठीक है, ये जो चार ऑप्शन हमें ABCD दिए गए हैं यहाँ पर, इनमें से कौन से सही क्रम में जमे हुए हैं ये आपको यहाँ नीचे ABCD में बताने हैं। 11वां क्वेश्चन आज का यह है कि निम्नलिखित में से एक जोड़े में एक प्राणी और उसके द्वारा प्रदर्शित परिघटना को सही मिलाया गया है। ठीक है, परिघटना और प्राणी है ना, फेरिटीमा, द्विरूपता, मस्का, संपूर्ण कायांतरण, केमिलियान, अनुरहण, टीनिया, बहुरूपता। तो ये आपको बताना है कि क्या सिमिलर है। अपने जीवन चक्र के दौरान फेसियोला हेपेटिका यकृत प्रणाब, फेसियोला ये हेपेटिका अपने मध्यवर्ती परपोषी तथा प्राथमिक परपोषी में निम्नलिखित में से क्रमशः किन लार्वा अवस्थाओं में संक्रमण करता है? भाई लार्वा अवस्था बतानी है कि संक्रमण जिनमें वो करता है, रेडिया मिरिसिडियम, सर्केरिया तथा रेडिया, मेटासर्केरिया, मेरेसीडियम, मेटासर्केरिया। ये तो ये बतानी है आपको कि किन लार्वा अवस्थाओं में संक्रमण करता है।
देखिए दोस्तों, प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए तो जेट ICER BHU के लिए हम ऐसे क्वेश्चंस लाते रहेंगे डेली। आपको 7 बजे मॉर्निंग में 25 क्वेश्चन मिलेंगे, आपको उनके जवाब ज़रूर देने हैं कमेंट में। और दूसरी बात यह कि आपको ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आ रही है। तो बढ़ते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 13वां क्वेश्चन, साइकोन एक ऐसे प्राणी वर्ग में आता है जिसे सबसे अच्छा इस प्रकार वर्णित किया जा सकता है। मतलब कि साइकोन जो है वो एक ऐसे प्राणी वर्ग में आता है जिसे सबसे अच्छा हम इस प्रकार वर्णित कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो एक कोशिकीय अथवा एकोर्सिकीय, बहुकोशिकीय जिसमें कोई उत्तक संगठना नहीं होती, बहुकोशिकीय जिसमें एक जटिल संवहनी तंत्र होता है, बहुकोशिकीय जिसमें उत्तक संगठन तो होती है पर देह गुहा नहीं होती। ठीक है, बताइए। 14वां क्वेश्चन, वे प्राणी जो बाल्यावस्था में तो द्विपार्श्वीय सममित वाले होते हैं, ठीक है, तथा वयस्क जब बनते हैं तो वयस्क अवस्था में अरीय पंचेत सममिति वाले होते हैं, किस संघ यानी फाइलम में आते हैं? मोलस्का, नाइडेरिया, इकाइनोडर्मेटा, एनेलिडा। ठीक है, आर्थ्रोपोडा में शीर्ष तथा वक्ष अक्सर संलयित होकर शिरोवक्ष बना लेते हैं, किंतु निम्नलिखित में से किस एक वर्ग में शरीर शीर्ष वक्ष तथा उदर में विभाजित हुआ होता है? मेरियापोडा, क्रस्टेशिया, एरेक्निडा तथा ग्रस्टेशिया इंसेक्टा। निम्नलिखित में से कौन सा एक जोड़ा सही नहीं मिलाया गया, एक ऐसा जोड़ा है जो सही नहीं मिलाया गया? क्विलेक्स, पाइपियंस, फाइलेरियसिस, इडिस इजिप्टाई, पित्त ज्वर, एनाफिलिस, क्यूलिफेसिस, लिस्मानियसिस, ग्लोसाइना, पेलपेलिस, हिद्रालोलोग। तो बताइए कौन सा जोड़ा है सही नहीं मिलाया गया। 17वां क्वेश्चन, एनिलिडा में एनिलिडा से विपरीत प्लेटी हेलमेंथीजों में क्या होता है? क्या पाया जाता है? होता नहीं है, ठीक है। एलेवंथीज में क्या पाया जाता है? देह गुहा की अनुपस्थिति, कूट गुहा की अनुपस्थिति, अरिय सममित, द्विपार्श्वीय सममित। निम्नलिखित में से किस एक कोशिकीय जीव में एक गुरु केंद्रक पोषण कार्य के लिए तथा एक या अधिक सूक्ष्म केंद्रक जनन के लिए पाए जाते हैं? ट्रिपेनोसोमा, पैरामीशियम, युगलिना या अमीबा। कौन सा राइट है? आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आपको डेली अपडेट मिलती रहेगी। और सुबह 7 बजे मॉर्निंग में, जैसे हमने कहा है, 7 बजे रोज़ क्लासें होती रहेगी। ट्रिपेनोसोमा, नॉक्टिल्यूका, मोनोसिस्टिस तथा जियार्डिया में कौन सा एक लक्षण समान है? इन चारों में से कौन सा एक लक्षण जो कॉमन आता है, म्यूचुअल आता है? ये सभी परजीवी है, पहला। ये सभी एक कोशिकीय जीव यानी प्रोटिस्ट है। इन सब में कशाप पाए जाते हैं या फिर इनमें बीजाणु बनते हैं? तो बताइए क्या पाया जाता है? आज का जो 20वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक समुच्चय में फाइलम जिसके 3 उदाहरण सही मिलाए गए? कौन सा एक फाइला है जिसके 3 ही सही है? पोरीफेरा के, स्पॉन्जिला, यूप्लेक्टेला, पेक्टियोला, ठीक है, नाइडेरिया के, बोनोलिया, फाइसेलिया, ओरिलिया, प्लेटी एलमंथिस, प्लेनेरिया, सिस्टोसोमा, मोलस्का, लोलिगो, टेरेडो, ऑक्टोपस। तो बताइए, विखंडनीय या खंडी भवन किनकी विशिष्टता है, किनका विशेष रूप है? मोलस्का का, कॉर्डेटा का, तो प्लेटी एलमंथिस तथा आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा तथा एनेलिडा तथा आर्थ्रोपोडा। तो चारों में से कौन सा सही होगा आप जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। कन खजूर है, कॉकरोच, ये क्वेश्चन है 22 लिखने में, यहाँ पर 22 नंबर का क्वेश्चन। कन खजूरा, कॉकरोच और केकड़े में कौन से 2 अभियान रूप से पाए जाते हैं? पुस्तक, फुफ्फुस तथा अंगिकाएँ, फर्स्ट, संयुक्त आँखें तथा गुदालूम, सेकेंड, संधि, टांगे तथा काइटिनी बाह्य कंकाल, चौथा है हरित ग्रंथि तथा वातिकाएँ। तो ये आप बताइए
कौन सा जो है सिमिलर है, द्विअरीय सममिति का होना तथा दंश कोशिका का किनकी विशेषता है? द्विअरीय सममिति का होना तथा दंश कोशिका का किनकी विशेषता है? हाइड्रा पर स्टारफिश, स्टारफिश तथा समुद्री एनिमोन, टीनोप्लाना तथा बोराई, ओरोलिया तथा पैरामोशियम, मोशियम नहीं है, पैरामीशियम कर लो यहाँ पे, पैरामीशियम मिसप्रिंट हो गया, ठीक है पैरामीशियम कर लो यहाँ पे काट के, ओरेलिया, ठीक है। तो बताइए दंश कोशिका किन की विशेषता है? हाइड्रा स्टारफिश, स्टारफिश, समुद्री एनिमोन, टीनोप्लाना तथा बेराई या ओरेलिया तथा पैरामीशियम। 24वां क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित में से किस एक में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? ओपन रेस्पिरेशन, ऑक्टोपस, फेरिटीमा, पेरीप्लेनेटा, हिरुनेरिया। तो बताइए किस में पाया जाता है, ऑक्टोपस में, फेरिटीमा में, पेरीप्लेनेटा या हिरुनेरिया। 25वां क्वेश्चन आज का लास्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक जोड़ा सही नहीं मिलाया गया, सॉरी, अधर हृदय बिच्छू, गुदा पक्षी पूंछ ऑक्टोपस, अधर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को जोक से मिलाया गया, व्रण में जो ग्रसनी है, गिल छिद्र, ग्रसनी कर लेना यहाँ पर, ग्रसनी गिल छिद्र, ग्रसनी गिल छिद्र अनुपस्थित कैमिलियों में, कैमिलिया क्रिकेट। तो आज के क्वेश्चन आपके हो चुके हैं 25 क्वेश्चन आपके, आप इनका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 25 क्वेश्चन डेली आज से टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है बायोलॉजी की, जो हम 7 AM मॉर्निंग में रोज़ सुबह अपलोड करेंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।